हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे पास आ चुका है बांकेलाल का कॉमिक्स। 7 सालों के बाद बांकेलाल का नया कॉमिक्स दोस्तों हमारे पास आया है, इस पार्सल के अंदर है। और उस बांकेलाल कॉमिक्स के साथ 4 बिग साइज मल्टी स्टारर कॉमिक्स यानी नागराज ध्रुव वाले कॉमिक्स हमारे पास आ गए हैं दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इस बॉक्स को अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और कैसी है ये कॉमिक्स। लेकिन इसके पहले मैं इसके ऊपर चक्कू चलाना शुरू करूँ, आप अपने अंगूठे को चलाना शुरू करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। फटाफट इसको ओपन करके देखते हैं दोस्तों। राम कॉमिक्स गाजियाबाद की तरफ से ये हमको मिला है। पैकिंग आप देख सकते हैं कि इस पैकिंग में स्पीड पोस्ट भी इन कॉमिक्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और बहुत तेज स्पीड से बहुत रफ्तार के साथ ये कॉमिक्स मुझको प्राप्त हो चुकी हैं। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है या अभी तक आपने ऑर्डर नहीं की है दोस्तों, तो आप आज ही अपनी कॉमिक्स राम कॉमिक्स गाजियाबाद से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये हमारी कॉमिक्स निकल के बाहर आ रही है दोस्तों। जैसा आप देख सकते हैं बांकेलाल का पहला लुक आपके सामने आ रहा है। बिग साइज में बांकेलाल आप लोगों के पास आया है। इसके पहले जो बांकेलाल की कॉमिक्स दोस्तों हमारे पास आई थी वो आई थी 7 साल पहले। समय कितना तेजी से गुजरा है दोस्तों, 7 साल पहले हमारे पास ये कॉमिक्स आई थी दोस्तों। अब इसको फटाफट ओपन करके देखते हैं कैसी है कॉमिक्स, क्या क्वालिटी है, क्या साइज है, सारी चीजें। बबल रैप में हमको मिली है सेफ्टी के साथ, बिना किसी एक भी स्क्रैच के बेहतरीन क्वालिटी में हमारे पास सभी कॉमिक्स दोस्तों आ चुकी हैं। इसके पहले हम नीचे वाली बिग साइज की बात करें, उसके पहले हम बात कर लेते हैं फिर आया बांकेलाल की। फिर आया बांकेलाल का दोस्तों साइज कंपैरिजन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है समुद्र का शैतान ओरिजिनल साइज वाली कॉमिक्स जो पहले आया करती थी ओरिजिनली, और ये है पीछे फिर आया बांकेलाल। साइज का डिफरेंस आप देख सकते हैं, लगभग 1 इंच की लंबाई ज्यादा है और 1 इंच की ही चौड़ाई का भी फर्क है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये छोटा सा डिफरेंस भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, क्योंकि जो कॉमिक्स के पैनल्स होते हैं दोस्तों वो निखर के आते हैं। इसके अंदर हमको दोस्तों ये नवल्टी आइटम्स मिले हैं, पहले नवल्टी आइटम्स ही देख लेते हैं। चलो ये सामने आ गए तो इसमें बांकेलाल बैठा हुआ है विक्रम सिंह की ड्रेस में सिंहासन पे, हाथ में अपने खजाने की पोटली लिए जो कि उसका सपना है शायद कभी पूरा हो पाए। और दूसरी में है दोस्तों एक और खजाने की पोटली लिए बांकेलाल। दोनों के दोनों ही पोस्टकार्ड काफी खूबसूरत हैं, पुरानी विंटेज आर्ट है, बेदी जी की इसमें आर्ट है। बेदी जी अगर बांकेलाल को बनाते हैं तो बांकेलाल तो दोस्तों एक तरीके से कालजयी हो जाता है। तो दोस्तों ये 2 पोस्टकार्ड हमको इसके साथ में मिले हैं। और इसके अलावा बात करते हैं फटाफट से कॉमिक्स की। कॉमिक्स को अगर आप देखें तो यहां पे मनोज गुप्ता जी की तरफ से उद्बोधन हमारे लिए किया गया है, जिसमें मनोज गुप्ता जी का कहना है कि मैंने बांकेलाल को बनाया था। आप इससे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि अब हर कॉमिक्स में देखने को मिल रहा है कि मैंने ही इसको बनाया था, मैं समय हूं अहम ब्रह्मास्मि। पेजेस की क्वालिटी की हम बात करें दोस्तों तो अरे कुछ पुराने फैंस दोस्तों खुश होने वाले हैं, इसमें जो पेजेस हैं ना ग्लॉसी हैं ना मैट हैं दोस्तों। इसमें पुराने टाइप का पेपर यानी कि नॉर्मल पेपर को यूज़ किया गया है, लेकिन पेपर एग्जैक्टली पहले जैसा नहीं है। इस पेपर की थिकनेस की हम बात करें तो वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे ग्लॉसी पेपर की उम्मीद थी, लेकिन इसमें हमको मिले हैं ये सिंपल पेपर। सभी लोग बोल भी रहे थे कि भाई प्राइस कम है, प्राइस कम है। प्राइस दोस्तों हमको ये 135 की मिली है, 10% का इस पर डिस्काउंट भी मुझको मिला है। उसके बाद ये कॉमिक्स आई है तो दोस्तों ग्लॉसी पेपर इसमें नहीं है, मैट पेपर इसमें नहीं है, आर्ट काफ़ी हद तक पुराने आर्ट के जैसे बनाने की कोशिश की गई है दोस्तों। बांकेलाल का बेदी जी के आर्ट को मैच कर पाना तो एक तरीके से नामुमकिन है, लेकिन चित्रांकन जो इसमें हम प्रेम गुणावत जी का देख रहे हैं, सुनील पांडे जी की इसमें रंगकारी की गई है, तो उसके बाद काफ़ी अच्छे से निखर के आए हैं। और पहली नज़र में ये कॉमिक्स देखकर पढ़ने लायक लगती है। बड़े फ्रेम्स हैं, बड़े पेजेस हैं, जिसकी वजह से ये कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। कहानी की बात दोस्तों मैं इससे आपसे तभी कर पाऊंगा जब मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूं। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों इसमें एड्स को लेकर पेजेस कोई वेस्ट नहीं किए गए हैं। एक पेज से लेकर 32वें पेज तक दोस्तों कहानी इसमें दी गई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए 31वें पेज पे कहानी खत्म हो गई है, 32वें पेज पे ग्रिगेट लोग के ग्रिगेट मानव की कोई बात की गई है, और साथ में ऐड दिया गया है बांकेलाल की आने वाली नई कॉमिक्स का, जिसका नाम है बांकेलाल और मुसीबत का खेल। और इसके साथ साथ दोस्तों एक और कॉमिक्स है, यस बांकेलाल उत्पत्ति श्रृंखला संयुक्त संस्करण की इसमें बात की गई है। संयुक्त संस्करण हमारे पास बांकेलाल की उत्पत्ति श्रृंखला का आ रहा है, जिसकी कुछ कॉमिक्स अभी हाल फिलहाल में दोस्तों हमको देखने को मिली थी। तो एक उत्पत्ति श्रृंखला के बारे में इसमें बात की गई है, एक नई कॉमिक्स बांकेलाल मुसीबत का खेल की बात की गई है, और उसके साथ साथ फिर आया बांकेलाल हमारे पास एक अच्छे स्वरूप में।
आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए बांकेलाल पर ही रिस्ट्रिक्ट करता हूं, और इसके बाद जो अगला वीडियो आप देखेंगे दोस्तों उसमें आपको मैं दिखाऊंगा ये चारों कॉमिक्स और इसके साथ में मिली नवल्टीज कैसी ये कॉमिक्स हैं, क्या साइज है, क्या क्वालिटी है। और जानने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार ज्यादा ना करें, क्योंकि अगला वीडियो आपको इसके तुरंत ही बाद दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको फिराया बाकेलाल, क्या आप एक्साइटेड हैं बाकेलाल की वापसी को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ साथ ये भी बताइए कि आपकी फेवरेट बाकेलाल की कॉमिक्स कौन सी है। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में इन चारों कॉमिक्स के रिव्यू के साथ में। तब तक बने रहिए सब कुछ सिंह के साथ, और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन तो दोस्तों बिल्कुल दबा दीजिए वरना आप मिस कर जाएंगे कुछ बहुत अच्छी चीजें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।